साथियों, भूपेन दा ने असमिया भाषा और संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका तो निभाई, वंचितों और शोषितों के लिए भी वो आवाज बुलंद करते रहे। भूपेन दा के सुरों ने ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द बसने वालों के जीवन में नई चेतना का संचार किया, तो साथ ही गंगा के विस्तार में फैली मानवता को भी जगाने का प्रयास किया। साथियों, असम और देश के लिए, समाज के लिए अपने गीतों से, अपने सुरों से जिस महान व्यक्तित्व ने इतना योगदान दिया, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के लिए समर्पित भारत के उस सच्चे राष्ट्र रत्न की पहचान करने में दशकों की देरी हो गई, दशकों की देरी हो गई। हम सभी को खुशी होती अगर भूपेन दा जीवित होते और अपने हाथों से भारत रत्न का सम्मान ले पाते, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये निर्णय आपको करना है। साथियों, आज मुझे असम के एक और महान सपूत गोपीनाथ बारदोलोई की, उनकी भी याद आ रही है, जिनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, भारत रत्न देने के लिए भी असम को दशकों श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंतजार करना पड़ा। अभी मैंने पार्लियामेंट में बीसी और एडी की व्याख्या की थी, परसों सुना होगा आपने। बीसी और एडी यानी बीसी का मतलब है बिफोर कांग्रेस और एडी का मतलब आफ्टर डायनेस्टी। ये बीसी और एडी का ही गौरवगान करने का वालों से मैं आज यहां पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने भारत के सच्चे रत्नों को न पहचानने का कटिल खेल दशकों तक क्यों खेला? आखिर ऐसा क्यों रहा कि कुछ लोगों के लिए जन्म लेते ही उनके लिए भारत रत्न रिजर्व हो जाता है, तय हो जाता था, और देश के मान सम्मान के लिए जिन्होंने जीवन लगा दिया उनको सम्मानित करने के लिए दशक बीत जाते थे? इसका जवाब असम सहित भारत का कोना कोना मांग रहा है। आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही असम के दो सपूतों गोपीनाथ बरदोलोई और भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम, वो पवित्र कार्य करने का अवसर हमें मिला है।